हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लेडीज पैंट की कटिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने कपड़ा ले लिया है, 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। कपड़े को इस तरह से रखा है, यहाँ पर देखिए 4 फोल्ड में कपड़े को कर लिया है इस तरह से। अब ये फोल्डेड साइड है, इसे इस ओर रखना है और ये हमें कन्नी वाली साइड इस ओर रखनी है। इस तरह कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेना है बराबर करके, कोई भी इसमें सलबट नहीं आना चाहिए, इस तरह सेट करके रख ले। अब हमें कटिंग करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर कपड़े को 1/2 इंच तक इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर कपड़ा अगर आगे पीछे है तो उसे हमें कट करके बराबर कर लेना है। इसके बाद देखिए ये कन्नी वाली साइड है, तो इसको भी हमें निकाल देना है। तो ये हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर हम कन्नी रखते हैं तो कपड़ा हमारा खींचता है जब सिलाई करते हैं। इस तरह से मार्किंग करके निकाल देना है। तो इस तरह कपड़ा हमारा सेट हो गया है। अब यहाँ पर मैंने ये निशान लगाया है, इसके ऊपर से निशान लगाना है 2 इंच का। ये हमारा यहाँ पे फोल्ड करने के लिए आएगा, इसका भी सीधी मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद लंबाई आती है, तो मेजरमेंट हमें किस तरह से लेना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से लिया है। इसमें हमें लंबाई चाहिए, जितनी भी आपकी लंबाई है, कमर का माप चाहिए, हिप का, थाइस का और मोहरी चाहिए, 5 हमें ये माप लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना इस तरह से माप ले लिया है, आप भी इसी तरह अपना मेजरमेंट ले लें। देखिए लंबाई हमें यहाँ से लेनी है, इतना कपड़ा हमारा फोल्डिंग के लिए जाएगा जब हम सिलेंगे। अब लंबाई यहाँ से लेंगे तो हमारी 38 इंच है लंबाई, 38 इंच आया। तो यहाँ पर हमें 38 ही नहीं ले लेना, यहाँ पर माइनस हमें 1 कर देना है, यहाँ पर 37 लेना है क्योंकि ऊपर हमारी बेल्ट अलग से लगेगी। और इस निशान को भी सीधा कर लेना है। अब इतना पोर्शन हमारा यहाँ से लंबाई का आ गया है। अब हम सारी मार्किंग करेंगे, तो ये मैंने यहाँ पर जो लाइन लगाई है इसके बाहर हमें मार्किंग करनी है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर कमर का मेजरमेंट लेना है, तो कमर हमारी है यहाँ पर 38 इंच, उसका चौथा पार्ट लेना है, तो उसका चौथा पार्ट हमारा 9.5 इंच आ जाएगा। 9.5 इंच पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इस लाइन के बाहर लेना है 9.5 इंच, क्योंकि ये बाद में कट जाएगी यहाँ से। अब ये 9.5 इंच पे लगा है, तो ये फ्रंट पार्ट बनेगा हमारा पैंट का, आगे वाला हिस्सा। तो यहाँ पर हमारा प्लेट्स आता है, तो यहाँ पर 1 इंच हमें ले लेना है यहाँ पर, और इसके बाद हमें लूजिंग के लिए या एक्स्ट्रा हमें 1 इंच ले लेना है, जिससे कि खिंचाव ना आए पेंट में यहाँ पर। तो ये 3 निशान लगेंगे यहाँ पर, और ये अब हो गया है यहाँ पर 11.5 इंच। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये कमर का मेजरमेंट लेना है। अब यहाँ पर हमें क्रोच एरिया लेना है, तो क्रोच एरिया कैसे लेना है, सबसे पहले यहाँ पर हमें 1 इंच यहाँ से नीचे को लेना है। इस 1 इंच को हमें यहाँ पर ऐसे मिला देना है, क्योंकि ये फ्रंट साइड का है, तो यहाँ नीचे को इस तरह से लेना है हमें, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्रोच एरिया निकालना है, तो हिप है हमारी यहाँ पर 40 इंच, 40 इंच का हमें चौथा पार्ट लेना है। 40 इंच को हमें 4 से भाग दे देना है, तो 10 इंच आ जाएगा यहाँ से सीधा 10 इंच पे ऐसे निशान लगा देना है। इसके बाद हमें 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है, तो ये हमारा यहाँ से 12 इंच हो जाएगा। आपका जितना भी हिप है उसको 4 से भाग देके 2 उसमें प्लस कर लेना है, जितना भी आ जाएगा ये क्रोच एरिया हो जाएगा। बाद यहाँ पर ये लाइन लगा देनी है सीधी, ये लाइन लग गई है। अब यहाँ पर थाई का मेजरमेंट आएगा, जितना भी आपका थाई है, तो यहाँ पर 26 इंच है मेरा थाई पूरा राउंड में, तो उसका मैंने आधा लिया है यहाँ पर, 13 इंच लिया है। तो यहाँ पर थाई का निशान लगाना है, यहाँ पर थाइस का निशान लगाएंगे, यहाँ से लेना है, ये लाइन है हमारी यहाँ से 13 इंच लेना है, तो 26 इंच है, उसका हमें आधा ले लेना है, डबल करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर थाई का निशान लग गया है, अब यहाँ पर मोहरी का निशान लगाएंगे। यहाँ पर थाई हमारा यहाँ से 13 इंच है, अब यहाँ पर मोहरी का भी 13 इंच लगेगा निशान। इस तरह से पहले निशान लगा लेना है, और इसका हमें सेंटर लेना है 13 इंच का,
जहाँ पर सेंटर आ जाएगा इसका मिडल पार्ट 6.5 इंच। अब यहाँ पर मोहरी लेनी है, तो ये हमारा मिडल पार्ट आ गया है, यहाँ से 12 इंच है हमारी, तो यहाँ से देखिए मैंने 3 इंच लिया है, यहाँ से 3 इंच लेंगे और यहाँ से भी 3 इंच लेंगे, ये 6 इंच हो गया है, तो इसे हमें यहाँ से ही ले लेना है। तो ये निशान लग गए हैं। अब लेनी है हमें शेप पट्टी, शेप पट्टी को इस तरह से रखना है, यहाँ से ऐसे रखेंगे और ये पॉइंट है, यहाँ से दोनों के साथ ऐसे मिला के रखेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद इस शेप पट्टी को यहाँ पर ऐसे रखना है, इस साइड का भी हमें निशान लगाना है, ये निशान है, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ से भी मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ये मोहरी का हमारा बन गया है पूरा। अब यहाँ पर हमें क्रोचेरिया बनाना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से ये थाइस का निशान लगा है, यहाँ से 2 इंच अंदर को लेना है इस तरह से। अब इस निशान को यहाँ पर ऐसे मिला देना है और यहाँ पर हमें इस तरह से मार्क कर लेना है ये तिरछा, और यहाँ से ये क्रोचेरिया बना देना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारी ये मार्किंग हो गई है लेडीज पेंट की। अब देखिए हमारी यहाँ से मोहरी 12 इंच थी, तो यहाँ पर मैंने 6 इंच लिया है, डबल करके 12 इंच हो जाएगा, और यहाँ पर थाइस था हमारा 26 इंच, तो 13 इंच उसका मैंने हाफ लिया है, डबल करके 26 इंच हो जाएगा। और इसके बाद हमारा यहाँ पर कमर था हमारा यहाँ पर 9.5 इंच, और ये मैंने 1 इंच यहाँ पर प्लेट्स के लिए लिया है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से हमें नीचे को लेना है 1 इंच और यहाँ से ऐसे लाइन मिला देनी है और ये क्रोचेरिया बन गया है। तो इस तरह हमारी ये मार्किंग हो गई है। अब हमें कटिंग करनी है, तो कटिंग कैसे करनी है, अब देखिए ये हमारे 4 पीस हैं, तो यहाँ पर कटिंग कैसे करेंगे, तो ये हमारा ये पीस है, इसे हमें चारों को कट करना है, सभी पीसेस कट करेंगे, लेकिन ये पीस जब कट करेंगे तो 2 ही ऊपर के उठाने हैं, तो ये कटिंग करते समय हम देखेंगे किस तरह कटिंग होगी। ये चारों पीसेस कट करने हैं यहाँ से। तो ये सारे पीसेस कट कर दिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये ऊपर के ही 2 पीस उठाने हैं, सारे पीसेस नहीं हमें कट करने, तो ये फ्रंट का पीस है, इसे ही कट करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर वाले ही 2 पार्ट कट किए हैं। अब इस कपड़े को इस तरह से फैला लेंगे, ऐसे खोल लेना है कपड़े को। अब देखिए ये मैंने कपड़ा सीधा कर दिया है और ये पीस हमारा इसी तरह से रहेगा। तो यहाँ पर एक ट्रिक है हमारा, क्या करना है, ये फ्रंट पीस है, बैक पीस में हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 2 इंच का, यहाँ से 2 इंच बढ़ा लेना है, 2 इंच आगे को कर लेंगे, और ये साइड है यहाँ भी 2 इंच आगे को कर लेना है, और इसी तरह से यहाँ भी 2 इंच बढ़ा लेना है, ये सीधा ऐसे लगा लेंगे, और यहाँ से भी 2 इंच ऐसे रख लेना है। तो इस तरह निशान लग गए हैं। अब ये निशान है देखिए, यहाँ पर ये मैंने लगाया है, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ऐसे निशान लगा देना है सीधा, और यहाँ पर देखिए ये है हमारा, ये कॉर्नर है इसका क्रोचेरिया का, और इसको हमें इस तरह सीधा कर लेना है। और इसके बाद देखिए ये हमारी मोहरी की साइड है, तो यहाँ पर ये मोहरी की साइड है, 2 इंच यहाँ पर बढ़ाया है, 2 इंच यहाँ पर बढ़ाया है, शेप पट्टी को ऐसे रखना है दोनों निशानों के ऊपर, और यहाँ से मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह ये हमारा 2-2 इंच बढ़ गया है यहाँ तक। तो ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट हमारा थोड़ा बड़ा होता है और फ्रंट हमारा थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि जब हम बैठते उठते हैं तो अगर हम यही साइज रखेंगे तो हमारी पैंट एकदम फट जाएगी, इसलिए हमें बैक का पार्ट जो है थोड़ा बड़ा रखना होता है अगले वाले से। इसके बाद यहाँ से एक एरो लगा लेना है। अब यहाँ पर भी हमें ये क्रोचेरिया बनाना है, तो इस तरह से
यहाँ पर राउंड में शेप दे देनी है। अब देखिए यहाँ पर दो दो इंच का लूजिंग के लिए ले लिया है चारों ओर से। इसके बाद देखिए ये हम क्यों लेते हैं, ये तो मान लिया लूजिंग के लिए लेते हैं, ये एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हम जब हम पेंट को सिल देते हैं इतना ही रखेंगे तो पेंट हमारे नीचे को जाती है बैक साइड की, तो इसलिए हमें ये इतना एक्स्ट्रा रखना पड़ता है जिससे पेंट बैक को ना जाए। जब हम बैठते हैं पेंट हमारी नीचे को जाती है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये मार्किंग इस तरह से करेंगे तो आपकी पेंट कभी भी नीचे को नहीं जाएगी और एकदम परफेक्ट फिटिंग में बनेगी। अब हमारी पेंट की यहाँ पर मार्किंग हो गई है बैक साइड की भी, इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर पेंट की कटिंग हो गई है, अब यहाँ पर हमें डार्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमारा है 12 इंच है, 12 का हमें यहाँ पर आधा ले लेना है, हाफ में लगेगा यहाँ मिडल में, और यहाँ से आप 4, 4.5 या 5 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधा निशान लगाऊंगी 4.5 इंच का, और यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो हम आधा इंच इस साइड को लेंगे और आधा इंच इस साइड को लेंगे। अब इन दोनों को ऐसे मिला देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डॉट का निशान भी लग गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी लेडीज पेंट की ये कटिंग हो गई है। बहुत ही बारीक ढंग से मैंने एक एक चीज आपको बताई है, बहुत ही आसान तरीके से बताया है। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, जब पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।